हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू रीडिंग सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज रीडिंग सेशन नंबर 13। आइडियली इट इज अ कंटिन्यूएंस ऑफ अवर प्रीवियस रीडिंग सेशन। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला एरिया है वो हम रीडिंग सेशन 12 और 13 में कवर करते हैं, तो हमने उसमें से एक कवर कर लिया है। रीडिंग सेशन नंबर 13 हमारा कंटिन्यू होते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स की और बाकी बातों को कवरेज प्रोवाइड करेगा। हमने लास्ट में क्या किया था, कॉस्ट कर्व्स पढ़ लिए थे, प्रोडक्शन फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, इन सब बातों को हमने कवर कर लिया था फ्रॉम द एंगल ऑफ अ फर्म। नाउ एक फर्म ने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसकी कॉस्टिंग समझ में आ गई, लेकिन अब जाके उसे मार्केट में उसे बेचना होगा, और मार्केट में बेचना होगा तो मार्केट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मार्केट्स होते हैं जिनके सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपके रेवेन्यू को इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड अल्टीमेटली कॉस्ट के बारे में तो जानकारी मिल गई, पर रेवेन्यू और कॉस्ट जब दोनों हम देखेंगे तभी तो प्रॉफिट और लॉस और क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसपे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाएगा वो एक फर्म का हम डिटरमाइन कर पाएंगे। इसीलिए रीडिंग सेशन नंबर 13 को टाइटल देते हैं हम फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स, जिसमें हर फर्म कौन से मार्केट स्ट्रक्चर को बिलोंग करती है और उसके हिसाब से किस तरह से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करती है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सो हमारे इस सेशन में हम वो हर तरह के का मार्केट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं जो ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है इन इकोनॉमिक्स। हम मार्केट का क्या मतलब समझते हैं उसे पहले देख लेते हैं। मार्केट मतलब एक ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां खरीदने वाला और बेचने वाला इंटरैक्ट करेंगे ताकि जिसको जो खरीदना है और जिसको जो बेचना है वो सही दाम पे वो काम कर सके। जैसे कि आप और मैं व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे से बात करते हैं, फेसबुक पे भी एक दूसरे से बात करते हैं, या किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी मिलते हैं। ये एक मार्केट होता है जिसमें आप बायर हैं और हम सेलर है, प्रोड्यूसर है, हम एक फर्म है। इस तरीके से जहां इंटरैक्शन होगा उसे हम मार्केट कहते हैं। नाउ एवरी मार्केट इज डिफरेंट इन इट्स ओन वे, हर मार्केट अपने अपने हिसाब से अलग है। हम कंपटीशन के बेसिस पे, कॉम्पिटिंग नेचर के बेसिस पे मार्केट्स को चार कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। इसे हम आइडियली कॉम्पिटिटिव नेचर के बेसिस पे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली इज द लीस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन थोड़ा परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरफ काफी कॉम्पिटिशन होल्ड करता है, ओलिगोपोली थोड़ा मोनोपोली की तरफ कम कॉम्पिटिशन होल्ड करता है। तो ये एक बेसिक तरीके से हम रेंज बना देते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन हाईली कॉम्पिटेटिव, देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन थोड़ा कम लेकिन फिर भी काफी कॉम्पिटेटिव, ओलिगोपोली बहुत कम कॉम्पिटेटिव फर्म्स होती है, एंड मोनोपोली में तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होता है, अकेली फर्म होती है। तो हम इसे पांच कैरेक्टरिस्टिक्स पे, पांच बेसिक पॉइंटर्स पे इन चारों मार्केट्स को पहले अलग करेंगे सिर्फ इस सेशन में, ताकि हमें एक बेसिक ब्रॉड आइडिया लग जाए कि इन चारों मार्केट्स को कैसे रीड और इंटरप्रेट किया जाता है। एंड देन एक मार्केट पकड़ेंगे सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में उसका इक्विलिब्रियम निकालेंगे, देन मोनोपोलिस्टिक, देन ओलिगोपोली, देन मोनोपोली। इसी तरीके से हर मार्केट को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे इस रीडिंग सेशन में। तो अभी तो हम सिर्फ पहले एक ओवरव्यू लेके इन्हें अलग करना चाहते हैं, सबको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जिसमें हमने जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंटर्स लिए हैं वो क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स, इन मार्केट्स में बेचने वाले कितने होते हैं, किस तरीके का नेचर होता है प्रोडक्ट का, मतलब सब एक जैसा बेचते हैं, सब थोड़ा अलग अलग बेचते हैं, डिफरेंट होता है, कैसा होता है, बैरियर्स टू एंट्री, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर्स में एंटर कर पाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, प्राइसिंग पावर, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में कोई फर्म होती है तो क्या वो अपने प्राइसेस खुद डिसाइड कर पाती है, क्या उसके हाथ में पावर होती है या वो बाकियों पर निर्भर होती है, नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन दो फर्म्स के बीच में किसी मार्केट में सिर्फ दाम के बेसिस पे हो ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे हर चीज नहीं चलती, क्वालिटी के बेसिस पे भी चलती है, एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे भी चलती है। तो जो नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन है वो कैसा है, हमें ये डिफरेंशिएट करना है। तो इन चारों मार्केट को हम इन ब्रॉड पॉइंटर्स पे डिफरेंशिएट करेंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक एक्सट्रीम है, मोनोपोली एक एक्सट्रीम है, जिसमें
परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देर आर मेनी सेलर्स, मेनी वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. इवन इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देर आर मेनी सेलर्स. हालांकि फिर भी हम इन दोनों में मेनी लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो कुछ ज्यादा ही, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में कंपेरेटिवली थोड़ा कम, बट दे हैव मेनी मेनी सेलर्स. व्हेयरएज इन ओलिगोपोली देर आर ओनली फ्यू सेलर्स. हाथ में गिन सकते हो, गिनती के गिने चुने, दैट इज ओलिगोपोली. एंड इन मोनोपोली देर इज ओनली वन, अकेला, सिंगल, और कोई भी नहीं है, अकेला. मोनो इज वन, ओलिगो इज फ्यू. परफेक्ट कॉम्पिटिशन देर आर मेनी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देर आर मेनी फर्म्स. ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन हो गया हमारा, जो हमने नंबर ऑफ सेलर्स के बेसिस पे किया. ऐसा कहते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली थोड़े रेयर मार्केट्स हैं. हाँ, ये एकदम रेयर मार्केट्स हैं, और कितनी बार तो हमें आइडियली दिखाई भी नहीं देती. जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन को हम थोड़ा इमेजिनरी ही मानते हैं. हाउएवर, कॉमोडिटीज मार्केट में या कुछ सिचुएशन में हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन जैसा मार्केट दिखाई देता है, तो ये कह देना कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एकदम ही इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है. या मोनोपोली भी हमें दिखाई देता है कई कंट्रीज में, कितनी बार गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली बना ली होती है, या किसी एक बेटर कॉज की वजह से भी मोनोपोली क्रिएट की जाती है. मोनोपोली में एक वर्ड और निकल के आता है, नेचुरल मोनोपोली. ये एक सेपरेट डिस्कशन हमारा और होगा इस चैप्टर में, नेचुरल मोनोपोली. नेचुरल मोनोपोली का क्या मतलब होता है? जान पूछ के कुछ सेक्टर्स में मोनोपोली क्रिएट की जाती है, ताकि चीजें कम कॉस्ट पे मिल सके, सस्ती मिल सके, एवरेज कॉस्ट को हम कम से कम रख सके. फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोनोपोली इज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. ये आपने देखा होगा, हमारे देश में भी देखा होगा, कि आपको एक लोकेशन में या एक एरिया में एक ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑप्शन होता है, उसकी मोनोपोली होती है लोकल एरिया में. कोई और आप चाहो भी तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चॉइस ही नहीं है आपके पास. क्यों? क्योंकि अगर एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होगी, तो वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट करना पड़ेगा, और वो दोनों ने जब ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट करना है और उनके कस्टमर्स बढ़ जाने हैं, तो उनकी जो कॉस्टिंग रिकवर करनी होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस ज्यादा आएंगे. इसीलिए किसी एक एरिया में एक ही कंपनी रखी जाती है, ताकि उसका जो बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट है वो बड़ी जनता में डिवाइड हो सके, तो एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा कम आए और प्राइसेस को सस्ता रखा जा सके. इसीलिए कई जगहों पे नेचुरल मोनोपोली क्रिएट की जाती है. तो सिंपल सिंपल एग्जांपल सबके रेडी हो जाते हैं. कॉमोडिटीज मार्केट में कई बार हमें देखने मिलता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन जैसा बिहेवियर, बेचने वाले बहुत सारे हैं. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जैसे कि मेजरली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, सोप, शैम्पू, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मेजरली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिखते हैं. जैसे टूथपेस्ट वगैरह हम यूज करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज टूथपेस्ट बनाती है, देयर आर मेनी फर्म्स. ओलिगोपोली थोड़े ही हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हाथ पे गिन सकते हो, 5-6, उसके बाद आप गिन नहीं पाओगे, बहुत जोर मारोगे तो शायद 10 पे पहुंच जाओगे, पर हाथ पे गिन सकते हो कि भाई वोडाफोन आइडिया एक हो गए, एक एयरटेल हो गया, एक जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, और शायद कुछ रीजन्स में एग्जिस्ट करने वाले कुछ और प्लेयर्स. यानी इट इज एन ओलिगोपोली मार्केट, फ्यू फर्म्स ओनली. मोनोपोली एक अकेला, एक लौता, जैसे कि भारत में लाइसेंसिंग के थ्रू इंडियन रेलवेज एक लौता, हालांकि हम उसे धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ऑपरेशंस है वो तो कोर गवर्नमेंट के पास ही है, उसकी अकेले की मोनोपोली है, और कोई रेलवेज रन नहीं कर सकता. इट इज सिंगल वन. और कुछ जगहों पे मोनोपोली जानबूझ के क्रिएट की जाती है, ताकि कॉस्टिंग कम रखी जा सके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल मोनोपोली. ओलिगोपोली में ही हम एक डिस्कशन करेंगे डुओपोली. जब एग्जैक्ट दो होते हैं, एग्जैक्ट दो, तो ओलिगोपोली में तो क्या है, फ्यू हो गए, तो फ्यू में दो भी आई जाएंगे, पर जब एग्जैक्ट दो होते हैं तो उसे हम बेटर क्लासिफाई करके नाम देते हैं डुओपोली. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेप्सिको एंड कोका कोला, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में इनका दोनों का ही पूरा का पूरा मार्केट शेयर है, तो दैट इज अ डुओपोली मार्केट. ऐसे मार्केट्स को हम डुओपोली बोलते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली. तो हमारे चार ब्रॉड स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, सबके एक एग्जाम्पल मिल गए, ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए, जिसमें हमने सिर्फ एक पॉइंट देखा अभी, नंबर ऑफ सेलर्स मेनी, मेनी फ्यू वन. नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितनी भी फर्म्स बेचती है वो किस तरीके का प्रोडक्ट बेचती है, होमोजीनियस.
that is standardized. यानी कि दो प्रोडक्ट्स के बीच में कोई फर्क नहीं है. Exactly same, copy paste. We are not using the word similar. We are using the word same. जो ये बेच रहा है और जो ये बेच रहा है, दोनों same हैं. That is what is the nature of product. जरा सा भी products के बीच में differentiation नहीं होता, अलग वाला कोई feature नहीं होता. It is all same. Monopolistic competition में हमें differentiated products देखने मिलते हैं. Differentiated मतलब थोड़ा सा brand का फर्क है, थोड़ा सा quality का फर्क है, पैकेजिंग का फर्क है, रेपुटेशन का फर्क है, ऐसा कोई ना कोई फर्क है दो तरह के प्रोडक्ट्स में. जैसे हम टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, तो टूथपेस्ट खरीदने जाते हो तो वैसे तो सब टूथपेस्ट ही है, लेकिन सारे टूथपेस्ट में किसी में कह देंगे कि ये थोड़ा ज्यादा बेटर पैकेजिंग है, इसके अंदर ये ऐसा इंग्रीडियंट यूज किया है जो थोड़ा मिंट फ्लेवर देता है, ऐसा अलग 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 डिफरेंट कुछ ना कुछ होगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे. यानी राइवल होंगे एक दूसरे के, क्लोज होंगे, दे विल बी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जबकि यहां दे विल बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, कॉपी पेस्ट है, इट विल बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. ओलिगोपोली में हो सकता है होमोजीनियस हो सकता है डिफरेंशिएटेड हो, दोनों ही तरह के प्रोडक्ट्स हमें देखने मिलते हैं, दोनों के ही एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने टेलीकॉम लिया, तो टेलीकॉम में तो मेजरली सब एक जैसे ही है, थोड़े होमोजीनियस स्टैंडर्डाइज से ही है, बहुत कम डिफरेंस ही क्रिएट होता है क्वालिटी में, अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें. वहीं अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स की, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी ओलिगोपोली मार्केट सेगमेंट है. कोई बहुत लंबी चौड़ी नंबर ऑफ कंपनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्योंकि हर कार की डिजाइन अलग होती है, एवरेज अलग होता है, फीचर्स अलग होते हैं, ब्रांड अलग होता है, तो वहां डिफरेंशिएटेड भी हमें देखने मिलता है. इसका मतलब यहां होमोजीनियस भी दिखता है, डिफरेंशिएटेड भी दिखता है. द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन द मार्केट ऑफ ओलिगोपोली, वेयर एज इट कैन बी डिटरमाइंड इन दीज टू. इन केस ऑफ मोनोपोली इट इज कंप्लीटली यूनिक, कंप्लीटली डिफरेंट, ऑल टूगेदर ही अलग है. देर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं. देखिए सब्स्टिट्यूट है, कितनी बार कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नो सब्स्टिट्यूट, यूनिक अकेला ही तो है तो सब्स्टिट्यूट कैसे होगा. सब्स्टिट्यूट तो है, दूर दराज का सब्स्टिट्यूट है. फॉर एग्जाम्पल हमने रेलवे का एग्जाम्पल लिया, तो रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का तो सब्स्टिट्यूट है. अगर रेलवे नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बस है, कोई बात नहीं, एयरक्राफ्ट है, पर ये दूर के सब्स्टिट्यूट से कंपेरेबल नहीं है कि हाँ एक ही तो बात है, रेलवे में जाओ या फ्लाइट में जाओ. नहीं, कॉस्ट का फर्क हो सकता है, कंफर्ट का फर्क हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं. दैट इज व्हाई सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते. तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सेम, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में थोड़े से डिफरेंट, ओलिगोपोली में कुछ भी हो सकता है, मोनोपोली में यूनिक, ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट देखने मिलता है. बैरियर्स टू एंट्री मतलब कि कोई फर्म, कोई नई फर्म एंटर करना चाहती है इन मार्केट्स में, तो कितनी आसानी से एंटर कर सकती है. परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर नो बैरियर्स, नन, कोई बैरियर्स नहीं है, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट है, कुछ डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो आप आसानी से एंटर कर सकते हो. कोई खास कैपिटल इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ भी लागू नहीं होता, बहुत सिंपली एंटर किया जा सकता है. द बैरियर्स ऑफ एंट्री आर नन. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, सम बैरियर्स, थोड़े से बैरियर्स होंगे. वैसे तो यहां भी आप एंटर कर सकते हो, जैसे मुझे टूथपेस्ट बना के बेचना है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में एंट्री करनी है, तो कर सकते हैं. एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और मैं कर सकता हूं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा मुश्किल है. तो यहां पर जो एंट्रीज है वो आराम से हो सकती है, लेकिन कुछ बैरियर्स हो जाते हैं, क्योंकि एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह तो आपको करनी ही पड़ेगी, एक लेवल ऑफ ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्ट बेच पाओगे. ओलिगोपोली इट इज रिस्ट्रिक्टेड, जनरली द एंट्री बैरियर्स आर सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल. जैसे कि ओलिगोपोली में हमने एग्जाम्पल लिया टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, भैया स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है ऑक्शन में, इट्स ह्यूज, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ अमाउंट. इट इज नॉट अ सिंपल थिंग कि कोई भी एंटर कर जाए, मैं खुश नहीं हूं जियो या वोडाफोन की सर्विस से, तो चलो मैं चालू कर देता हूं क्योंकि इस एरिया में बहुत स्कोप है. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू एंटर, प्लस लाइसेंसेस होते हैं कितनी बार, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं. तो नामुमकिन नहीं है, पर बहुत मुश्किल है, सब्सटैंशियल बैरियर्स होते हैं. मोनोपोली में तो हम कह देते हैं प्रोहिबिटेड जैसी सिचुएशन हो जाती है,
अगेन सब्सटैंशियल, क्योंकि एक ही है, एंट्री मुमकिन ही नहीं है। कैसे एंट्री होगी? एक ही है, एक ही के पास लाइसेंस है। जैसे कोई लोकल मोनोपोली है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, तो प्रोहिबिटेड है ना, कोई दूसरा प्लेयर एंटर कर ही नहीं सकता है, हमने उसे क्लियरली प्रोहिबिट किया हुआ है। सो देयर आर सब्सटैंशियल बैरियर्स, देयर आर वेरियस वेरी वेरी लेस चांसेस कि कोई फर्म इस मार्केट में एंटर कर पाए। तो अगर हम देखें तो एक तरह का फ्लो है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत काफी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई, बहुत हेवीली रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया हमारा, दैट इज बैरियर्स टू एंट्री। फिर आता है हमारा प्राइसिंग पावर, यानी कि इन मार्केट स्ट्रक्चर्स में कोई फर्म है तो वो फर्म के हाथ में क्या प्राइसिंग पावर है, वो खुद प्राइसेस बढ़ा घटा सकते हैं या फिर जो सब करते हैं वो करना पड़ता है। व्हाट इज द सिचुएशन? ये सिचुएशन बहुत सिंपली पुराने पॉइंट से समझ आ जाते हैं, मतलब इन पॉइंटर से ही समझ आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, बहुत सारे बेचने वाले सब सेम टू सेम बेच रहे, तो आप डिफरेंट प्राइस किस बेसिस पे चार्ज करोगे भाई? क्या कहोगे बेचते वक्त? क्या अलग है आप में जो आप बेच रहे हो? सेम बेच रहे हो और कितने बेच रहे हैं? चुपचाप जितने में सब बेच रहे हैं उतने में बेचो। इसका मतलब यहां परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइसिंग पावर इज नन, कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू आर जस्ट अ प्राइस टेकर। एवरी फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज प्राइस टेकर, द इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे डिटरमाइन होती है। यहां कोई भी फर्म कोई भी तरह का पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, देयर इज सम पावर, सम पावर। व्हाई? Because there is differentiated product. We have done a better packaging. We have a better quality product. तो मैं थोड़े तो दाम बढ़ा ही सकता हूँ, लेकिन थोड़े ही बढ़ा सकता हूँ। ऐसा तो नहीं ना कि मेरा टूथपेस्ट 1000 रुपए का, बाकी सब बेच रहे हैं 100 रुपए का। इतना ज़्यादा पावर नहीं क्रिएट होगा, पावर क्रिएट होगा एक रेंज तक कि 100 का सामान मैं 110, 120, 125 तक ले जाऊंगा और उसकी कुछ क्वालिटी बेसिस इंप्रूव करूंगा तो मेरा सामान बिक जाएगा, उतना मेरा प्राइसिंग पावर एग्जिस्ट करता है। तो देयर इज सम प्राइसिंग पावर। वी टॉक अबाउट ओलिगोपोली, इट माइट बी सम टू सब्सटैंशियल, डिपेंड करता है कि भाई होमोजेनियस प्रोडक्ट्स है या डिफरेंशिएटेड है। एज द नेचर कैन नॉट बी डिटरमाइंड सो डज द प्राइसिंग पावर। और कितनी बार यहां पर तो प्राइसिंग कैसे हो जाती है, जो दूसरा कर रहा है वही मैं भी कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट वाला काम बहुत होता है, बिकॉज एक दूसरे पे बहुत इंटरडिपेंडेंस होती है कि जो वो कर रहा है वही मुझे भी करना है, वो कोई स्कीम लेके आया, वो कोई फीचर लेके आया, उसने सस्ता किया तो मुझे भी करना है। ऐसे बहुत सारे हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देखने मिलते हैं जो हम ओलिगोपोली में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ इट माइट बी सम टू सब्सटैंशियल। वी टॉक अबाउट मोनोपोली, ऑफ कोर्स इट इज सब्सटैंशियल, अगेन रेंज ऐसा है कि बहुत कम से बहुत बढ़ते चले जा रहा है। सब्सटैंशियल बिकॉज आप अकेले हो। आज इंडियन रेलवे डिसाइड कर लिए कि हर चीज का दाम दोगुना हो जाएगा तो वो कर सकती है ना, उसके हाथ में पावर्स है। लोगों को कितने लोगों को मजबूरी में फिर भी उन रेलवे को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि रिमोट सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, करते नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि वेलफेयर एंगल से उसका प्राइस एक लेवल तक रखना होता है, पर पावर तो है, करना चाहे तो कर तो सकते ही है। दे हैव सब्सटैंशियल पावर्स बिकॉज यूनिक है, अलग है, हटके है, दूर दूर तक कोई राइवल नहीं है, कॉम्पिटिटर ही नहीं है हमारा। नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि कंपटीशन सिर्फ प्राइस पे होता है या नॉन प्राइस पे भी होता है, तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे ही कंपटीशन होगा। नॉन प्राइस पे क्या करोगे? क्वालिटी, रेपुटेशन, क्या करोगे? ब्रांडिंग कुछ तो नहीं है, सेम टू सेम प्रोडक्ट है, तो वहां तो सिर्फ प्राइस पे ही कंपटीशन होता है। और प्राइस पे भी क्या कंपटीशन होगा, सबके सब सेम ही दाम पे तो बेच रहे हैं। इसका मतलब यहां सिर्फ एक प्राइस ही एक फैक्टर है कि जितने पे सब बेच रहे हैं उतने पे आप भी बेचो तो ही आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। सिंपल। In case of monopolistic competition, price तो देखो हर जगह ही होगा, लेकिन यहां advertisement का बहुत बड़ा रोल आएगा। सेम ही ओलिगोपोली, price तो होगा ही, उसके अलावा advertisement का बहुत बड़ा रोल आएगा, क्योंकि ये वो मार्केट्स हैं जहां आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, थोड़े से सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, बेचते वक्त आपको ऐसा कुछ यूनिक करना होगा, लोगों के दिमाग में अपनी इमेज बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको हैवी नॉन प्राइस कंपटीशन करना होगा। आप सिर्फ प्राइस के बेसिस पे नहीं कर सकते, आपको नॉन प्राइस में भी जाना होगा कि क्यों आपका प्रोडक्ट अलग है। तो हम रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट जो देखते हैं अपने टेलीविजन चैनल्स में, वो सारे के सारे इन्हीं मार्केट्स को बिलोंग करते हैं हैवीली। ओलिगोपोली तो सबसे ज्यादा, फिर कहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एड्स, क्योंकि सारे एफएमसीजी के ही आते हैं, टेलीकॉम के ही आते हैं, गाड़ियों के ही आते हैं, यही एड्स आते हैं, क्योंकि उन एड्स में बता रहे हैं
कि हमारा प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट है, या फिर आपके दिमाग में इमेज क्रिएट कर रहे हैं, या आपको याद दिला रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना चाहिए, ऐसी सारी एक्टिविटीज की जाती है। इसीलिए एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वही अगर हम देखने जाएं मोनोपोली, तो मोनोपोली में प्राइस के बेसिस पे आप आराम से जैसा करना चाहो कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट होता है पर लो एडवर्टीजमेंट होता है, लो एडवर्टीजमेंट। ऐसा नहीं कि एडवर्टीजमेंट होता ही नहीं, होता तो है ना। इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, रेलवे को भी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है या फिर ये हॉलीडे स्पेशल चलाई जा रही है, ताकि उसकी एक इंफॉर्मेशनल एडवर्टीजमेंट हो। परसुएड भी करना पड़ता है, यहां तो क्या है परसुएड करना पड़ता है, सामने वाले को बताना पड़ता है कि मैं क्यों अलग हूं। यहां क्यों अलग हूं ये नहीं बताना पड़ता, खाली आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो सेलिंग कॉस्ट होते हैं, आपको कोई चीज बेचने के लिए थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, पर थोड़े बहुत ही होते हैं, लंबे चौड़े नहीं होते। तो प्राइस के अलावा ये भी क्रिएट हो जाते हैं आप, बाकी प्राइस के बेसिस पे तो डेफिनेटली कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। और इनफैक्ट यहां तो प्राइस भी नहीं लिखना चाहिए, नन जैसा बोलना चाहिए, कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि जो भी है सब कुछ सेम ही प्राइस पे चल रहा है। तो अगर आप देखो तो यहां मोस्ट कॉम्पिटेटिव है, यहां लीस्ट कॉम्पिटेटिव है। कौन सा मार्केट अच्छा होता है, कौन से मार्केट में ऑपरेट करना, ये डिपेंड करता है आप किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। अगर आप किसी फर्म के पर्सपेक्टिव से देखोगे, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो वो यहां ऑपरेट करना चाहेंगे, क्योंकि यहां कंपटीशन कम है, मार्जिन ज्यादा है, प्राइसेस बढ़ाए जा सकते हैं, पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है। और अगर आप कंज्यूमर के एंगल से देखोगे तो कहीं ना कहीं यहां आने की कोशिश होगी, क्योंकि यहां पे कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस कम रहते हैं, चीजें थोड़ी सी सस्ती मिलती है, इतनी महंगी नहीं मिलती है हमें कंपैरेटिवली। अगर आप देश के एंगल से सोचोगे तो ये वाले मार्केट्स इनोवेशन करते हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई इनोवेशन ही नहीं है। इफ यू वांट इनोवेशन, यू वांट समथिंग न्यू टू बी डन, यू वांट टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री, यू वांट टू पुट योर कंट्री अहेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट द अदर कंट्रीज आर डूइंग, तो उस केस में इनोवेशन तो यही होगा। यहां तो हमें कोई इनोवेशन दिखाई नहीं देगा, सबके सब सेम भाई का भाई सामान बेच रहे हैं। सो इट इज नॉट अबाउट विच इज द बेस्ट, इट इज अबाउट आप जिस भी मार्केट स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं, आपका प्रोडक्ट जिस भी मार्केट स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, उस फॉर्म को इन बातों का ध्यान रखते हुए डिसीजन मेकिंग और ऐसे चीजें करनी चाहिए जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉस मिनिमाइज हो। तो हमने सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स का एक आइडिया ले लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर्स के बीच में फर्क क्या है ऑन द ब्रॉड एजेंडास। नाउ व्हाट विल डू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन इज दैट, पहले सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे, सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसके रिलेटेड सब कुछ, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम, सप्लाई कर्व्स, एवरीथिंग। Then monopolistic, then oligopoly, उसमें duopoly. Duopoly में चार तरह के हमारे concepts भी आएंगे, Stackelberg, dominant form model, Nash, equilibrium, prisoner's dilemma, ऐसे कुछ interesting concepts आएंगे जो हम यहाँ देखेंगे duopoly में। And then monopoly, monopoly में price discrimination का एक important feature आएगा, क्योंकि monopoly में एक person जो अकेला work कर रहा है, वो एक ही सामान दो अलग अलग लोगों को अलग अलग दाम पे बेच सकता है, जो इसका यूनिक फीचर होगा। यही हम नेचुरल मोनोपोली की भी बात करेंगे, और कैसे मोनोपोली जानने के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेशियो निकाला जाता है उसकी बात करेंगे, तब जाके हमारा ये रीडिंग सेशन कंप्लीट होगा। सो इट इज अनदर लेंथी रीडिंग सेशन, जिसका हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक डिफरेंशिएशन कर लिया है। नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विथ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो आप ये बना लें, नोट्स में भी आपको दिया हुआ है, इसे रीड कर ले, इसे कंप्लीट कर ले, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।